हमारी गेहूं जैसे ही गोब अवस्था को पार करती है तो इस समय क्या है कि बाली के अंदर जो दाना बनना है वो जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान मुख्य तौर पर फंगस का जो अटैक है वो कम देखने को मिलता है, लेकिन जो इंसेक्ट का यानी कि जो कीट पतंगे होते हैं उनका जो अटैक है वो लगभग ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें से मुख्य तौर पर अपना तेला चेपा, जिसको आप हरा तेला या फिर भूरा तेला भी बोल देते हो, एफिड्स किसान साथियों, इसी में एक शामिल होता है अपना कीट। जैसा कि आप फोटो के अंदर देख रहे हो, देखने में जो कीट है काफ़ी खूबसूरत होता है, लेकिन एक्चुअल के अंदर अगर आप इसके कार्य को समझ लोगे तो आपको ये जो कीट है वो अत्यधिक पसंद हो जाएगा। किसान साथियों, आपको इस वीडियो के अंदर बिल्कुल इस कीट का जो कार्य है वो दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये जो कीट है वो आपका हरा तेला हो या फिर भूरा तेला हो, यानी कि किसान को हानि पहुंचाने वाले, किसान की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जो इंसेक्ट होते हैं उनको ये आसानी से खा रहा है। उन कीट को ये खा करके किसान की जो फसल है उसको बचा देता है या फिर किसान का जो खर्चा है वो बचा देता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि इस कीट को देखते ही हम मार्केट की ओर दौड़ते हैं और जो इंसेक्टिसाइड है वो ला करके अपने खेत के अंदर डाल देते हैं, जिसके कारण क्या है कि कई बार जो हमारे दुश्मन कीट होते हैं उनके ऊपर उस जहर का जो प्रभाव है वो काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन ये जो हमारे मित्र कीट होते हैं ये उस जहर से मर जाते हैं। उसके बाद में जो हमारा तेला चेपा वगैरह है उसे रोकने के लिए दोबारा से जो स्प्रे है वो रिपीट करनी पड़ती है। यानी कि अगर आपके खेत के अंदर ये कीट दिखाई दे रहा है तो एक बार इसको अपना कार्य कर लेने दो, उसके बाद में अगर लगे आपको कि इस कीट द्वारा हमारे खेत के अंदर जो तेला चेपा है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, उसके बाद में आप किसी भी इंसेक्टिसाइड का जो स्प्रे है वो कर सकते हो।